नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। ये शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। क्षेत्र की अपराधियों से परेशान एक दंपति आज थाने पहुंचे और बदमाशों द्वारा लगातार दी जा रही अपनी प्रताड़ना की जानकारी पुलिस को दी। दंपति का कहना है कि आरोपियों ने उनके घर में घुसकर पूर्व में भी मारपीट करते हुए तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया था। इसके पीछे कारण घर की महिला से छेड़छाड़ करने पर मना करना था। पूर्व में मामले की दंपति द्वारा शिकायत थी, हनुमाता थाने में दर्ज कराई थी। उसी शिकायत वापस लेने के लिए अब आरोपी तत्व लगातार दंपत्ति को धमका रहे हैं। पूरे मामले की जानकारी देते हुए हनुमानताल थाना अंतर्गत गली नंबर 7 के रहने वाले हलीम खान ने बताया कि आतंक अपराधी अशद उर्फ छर्रा लगातार उनकी पत्नी के साथ छेड़खानी करता आ रहा है। पूर्व में भी उसके द्वारा जब हलीम की पत्नी ने साथ छेड़छाड़ की गई तो हलीम द्वारा उसका विरोध किया गया, जिस पर अरशद, नईम और मंगल ने इनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत हलीम ने हनुमानताल थाने में भी दर्ज कराई थी। कुछ दिनों जेल काटने के बाद आरोपी फिर बाहर निकल आए और तब से लेकर अभी तक वे दंपति शिकायत वापस लेने के लिए धमका रहे हैं। दंपति का कहना है कि आरोपी क्षेत्र के छात्र अपराधी है, हालांकि वे उनके क्षेत्र में निवास नहीं करते हैं। बावजूद इसके दिन भर उनके घर के सामने खड़े होकर उसकी पत्नी से छेड़छाड़ करते हैं। आरोपियों द्वारा घर के सामने की जा रही शराबखोरी और गाली गलौज के चलते क्षेत्र का माहौल भी खराब हो रहा है। वही शिकायत वापस लेने आरोपियों को धमकाने के कारण पीड़ित दंपति भी भयभीत है। इन्होंने पुलिस से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। गली नंबर 7 में अपनी पत्नी को लेकर साथ में रहता हूँ, जिसके कारण आए दिन ये पहले लोगों के साथ वहाँ बैठ के दारू वारू पीना, छेड़छाड़ करना, ये सब चीज़ें करता था, जिसका हमने विरोध किया। जिसके पहले इसने मेरे घर में तोड़फोड़ कर चुका, जिसकी मैंने कंप्लेन डाला था। मेरी बीवी के साथ भी छेड़छाड़ किया था इसने, तो 24 दिन में ये जेल से छूट गया। फिर और ये अपराधी आदमी है, इसके बहुत से अपराध हैं। अभी कल हम अपनी पत्नी को दावत से लेके आए हैं और घर में छोड़े हैं, तो पुराने केस को बोलता खत्म करवाओ, नहीं तो फिर हम ये कर देंगे, घर में आग लगा देंगे और ऐसा वैसा, समझे। कौन है ये, कहाँ रहता है, क्या काम करता है? छर्रा नाम है उसका, पिता का नाम उसके कबीर है और दो लड़के और थे, एक का नाम नईम है और एक का नाम मंगन है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? पंप हाउस के रहने वाले हैं और छर्रा वहीं रहता है मक्कई नगर में, और वहाँ उसका घर नहीं है, लेकिन इसके बाद वहीं बैठा रहता है दिन भर 7 नंबर गली में। और ये विवाद चाहता है, मतलब हमेशा विवाद करना चाहता, अपन विवाद नहीं करना चाहते थे, लेकिन उस चक्कर में ये है तो धमकी देता है मेरे को कि अब कंप्लेन करा तो जान से मार देंगे। कल रात में भी उसके कई कॉल आए और उसने धमकियां दिया कि 2 महीना काटेंगे जेल और बाहर निकलने के बाद तेरे को जान से मार देंगे, ये वो। तो अभी जो भी घटना अगर मेरे साथ होती है तो उसका जिम्मेदार अरशद छर्रा और उसके साथ ही रहेंगे, और हमारी पत्नी के साथ भी अगर कोई कुछ लूट भी किए थे ऐसा सुनने में आया। जी कुछ लूट भी हुई थी क्या? जी कुछ लूट हुई थी, इनके मंगलसूत्र था, कुछ अंगूठियां थी 1-2, वो चले गए हैं। कैश ऐसा नहीं किया है, पर कुछ सामान था अलमारी में, तो उन लोग तोड़फोड़ किए बहुत ज्यादा मेरे घर में। 55 इंच LED तोड़ डाले हैं, सोनी कंपनी की, डबल डोर फ्रिज तोड़ डाले हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमीम खान। कहाँ रहते हैं आप? गली नंबर 7 मक्का नगर में। कौन सा थाना लगता है आपको? थाना हनुमानताल लगता है। क्या कार्रवाई की अभी तक इन्होंने? अभी तो कल अपने FIR करवा के गए थे, तो इन्होंने अभी तो फरार है शायद, वो मिल नहीं रहा है। जो भी है, हम पुलिस से यही सहायता चाहते हैं कि अगर मेरे ऊपर कोई घटना घटित होती है। क्या समस्या थी? हम लोग शादी में गए थे सर, तो शादी से आके इनने मेरे को घर पे छोड़े, मेरे हस्बैंड ने। फिर उसके बाद है तो ये लोग आए, अरशद छर्रा, नईम और एक और उसके साथ ही मंगन, ये तीनों आके है तो बाहर से गंदी गंदी गाली गलौज कर रहे थे, धमकी हमकी दे रहे थे। फिर अचानक है तो इन लोग कबलते तोड़ फोड़ मचा दिए मेरे घर पे, हम अकेले रहे और इन लोगों ने दरवाजा तोड़ के घुस गया मैं घर में। क्यों करे ऐसा? पुराना कोई रंजिश थी? पुराने भी एक बार इन लोगों ने तोड़ फोड़ करे थे तो उसकी रिपोर्ट डली है, तो ये धमकी आए दिन देते रहे कि ये रिपोर्ट वापस लो, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इनको भी धमकी दे दे मार देंगे और हमको भी देते रहे, घर जला देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इन लोग घुसे अंदर, पूरा हमारा सामान ना, TV, फ्रिज, जमाने में पूरा तोड़ फोड़ मचा दिए, हमको भी अपनी जान खतरा, हम अपनी जान बचा के भागे वहाँ से, घर से बाहर। कुछ सामान वामान भी, हमारा मंगलसूत्र और सोनी की अंगूठी इनकी हमारी सब ले गए लेके। तो इसकी सूचना तुमने थाने में दी थी? जी हमने ये हनुमानताल थाने में इसकी सूचना दी है। क्या नाम है आपका? इन लोग के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हम सजादी खान। क्या नाम है आपका? सजादी खान। कहाँ रहती हैं आप? मक्का नगर।